पुलिस विभाग में एक कहावत है, पुलिस की मार के आगे तो एक गूंगा भी बोलने लगता है, लेकिन कभी कभी ये कहावत सच सिद्ध नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस विभाग और अन्य एजेंसियां काफी सारे और तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे ही एक तरीका है नार्को टेस्ट। क्या आप जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है या फिर कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट को अपराधी या फिर आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की उपस्थिति में किया जाता है। इस टेस्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति को कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है, अर्थात ये कि उसकी लॉजिकल स्किल्स कम हो जाती हैं और वो सोच समझ कर जवाब देने की स्थिति में नहीं रहता है। आइए आप जानते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट में एक अपराधी या फिर किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथिल या सोडियम अमाइटल नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य कमजोर हो जाती है और व्यक्ति बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा नहीं बोल पाता है। इन दवाइयों के असर से व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी सोचने और समझने की क्षमता को खो देता है। इस तरह की स्थिति में एक व्यक्ति से केवल केस से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, क्योंकि दवाइयों की असर की वजह से एक व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता कुछ दिन के लिए खत्म हो जाती है। इस बात से यही संभावना लगाई जाती है कि व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा। ये बात तो हम सभी को पता है कि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो बात सच होती है उस पर हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता है और आराम से हमारी ज़ुबान पर आ जाती है। लेकिन अगर हमें कोई झूठ बोलना होता है तो हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना पड़ता है और घुमा फिरा कर सोच कर बात का जवाब देना पड़ता है। इस टेस्ट से केवल एक व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता है, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई बार एक व्यक्ति के ऊपर ये टेस्ट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उससे ये पता किया जा सके कि उसका उससे केस से कोई संबंध है या फिर नहीं है। इस केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो उसे नॉर्मल विजुअल्स दिखाए जाते हैं जैसे फल, फूल, पेड़ इत्यादि, और उसके बाद उसे केस से संबंधित विजुअल्स दिखाए जाते हैं, और इसके बाद व्यक्ति की बॉडी का रिएक्शन चेक किया जाता है। अगर व्यक्ति के दिमाग और शरीर की प्रक्रिया में कुछ अलग रिएक्शन है तो इस बात से ये अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति का केस से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। नार्को टेस्ट से पहले एक व्यक्ति का परीक्षण। नार्को टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले एक व्यक्ति या अपराधी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या वो व्यक्ति इस टेस्ट को लेने के लायक है या नहीं। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उस पर इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता है। व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसे नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार ज़्यादा डोजेज देने की वजह से ये टेस्ट फेल भी हो जाता है, इसीलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कई केसेस में दवाई के अधिक डोजेज के कारण व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए इस टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही ये टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। नार्को टेस्ट के लिए कानून। वर्ष 2010 में केजी बालाकृष्णन वाली तीन जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि सीबीआई और अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी ज़रूरी होता है। नार्को टेस्ट कितना सफल होता है? ऐसा नहीं है कि अपराधी आरोपी नार्को टेस्ट की दवाइयां लेने के बाद सच बता देता है और केस सुलझ जाता है। कई बार अपराधी या फिर आरोपी ज़्यादा चालाक होता है और वो टेस्ट करने वाली टीम को भी चकमा दे देता है। इस प्रकार नार्को टेस्ट के बारे में कहा जा सकता है कि वो पुलिस, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को केस से संबंधित अहम सुराग ज़रूर दिलवाता है, लेकिन वो 100% सच सामने रख देता है तो ये नार्को टेस्ट के बारे में कहना सही नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।